प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया राय खान जी का बड़ा ही दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत फ्रैंकली कहूंगी, आज मैंने सुबह में, मैं तो मेरी तो डेली रूटीन है 6 से 7 की योगा की, तो मैं सुबह में उठी, मेरी टीचर आई और मैंने योगा किया और उन्होंने मुझे याद भी दिलाया कि नाज़िया एक दो पिक्चर क्लिक कर लो क्योंकि तुमको पोस्ट करना होगा, यू आर सच अ रेनाउंड फेस तो तुमको पोस्ट कर लेना चाहिए। और एवरी ईयर मैं उस ड्रेस में एक पिक्चर पोस्ट करती थी हमेशा। अगर 2023 में आप इसी डेट को जाकर के देखिएगा तो मेरी योगा की पिक्चर पोस्ट हुई भी है, पर इस साल मैंने नहीं किया है क्योंकि जिस तरह के कोर्ट से निकलते वक्त कुछ तस्वीरें मेरी कोर्ट के ड्रेस में, पैंट और ट्राउजर में आई थी और मेरे अगाड़ और पिछाड़ को जिस हिसाब से डिफेम और मलाइन कुछ मुसलमान मर्दों ने किया है और जो मेरे साइज का नंबर बताया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने योगा करते हुए की तस्वीर मैं नहीं डाल पाई अपने ट्विटर पे या अपने सोशल हैंडल पर। मैंने एक नॉर्मल तस्वीर जो मैंने 2023 में मैं महाबलेश्वर गई थी और मैं और मेरी मदर पहाड़ पर योगा कर रहे थे तो उठ करके मैंने हाथ फैलाया हुआ था, वो तस्वीर मैंने डाल दी कि ये बेटर है और ये उस ड्रेस है पर इसमें बहुत बड़ा कुर्ता मैंने डाला हुआ है तो ये बेटर है। तो उन वो अभद्र भाषा से, वो गाली गलौज से, वो गंदी गंदी टिप्पणियों से डर करके मैंने अपने योगा की पिक्चर नहीं डाली। अब यहां पर भी मेरा सवाल पैदा होता है कि क्या गाली देना सुन्नत रसूल है? देखिए, मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा नहीं मिल सकती है, हो सकता है कि नहीं मिल सकती है, मेरा पहनावा आपका पहनावा नहीं मिल सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि नहीं मिल सकता है, हो सकता है मेरा खान पान और आपका खान पान एक जैसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल है, हो सकता है मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरी जो रिहाइश है वो आपकी नहीं हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज है, मेरी जो भाषा है वो आपकी भाषा नहीं हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज है, जो मेरा रंग रूप है वो आपका नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यास्मिन आप क्यों नहीं वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हैं, आप बहुत बड़ी डैश 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 है। आई कांट डू दिस ना, आई कांट डू दिस। मुझे पब क्लब डिस्को एक जमाने में पसंद था एंड सडनली मेरा माइंड चेंज हुआ, मैंने ऐसा बंद किया कि नहीं, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। अब इट्स नॉट मीन ना कि उस पब में जाकर के मैं सबको गालियां देना स्टार्ट कर दूं माँ बहन की और सबको शूट करना और सबको धम 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 करके गोली मार दूं, मार डालूं या सर तन से जुदा का नारा दे दूं कि मैं नहीं जाती हूं तो तू भी नहीं जा सकती या जा सकता। वी कांट डू दिस ना। पर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो 15 करोड़ इस्लामिक मुसलमान है इस देश में, वो सोचते हैं कि नाज़िया इलाही खान को हम अभद्र, गंदी, अश्लील, बदतमीजी वाली गालियां लिखेंगे, उसकी माँ को गाली देंगे, उसके बेटे के साथ उसको गंदी बात बोल करके जोड़ेंगे तो नाज़िया अपनी जुबान को बंद करके घर में बैठ जाएगी। अब मेरा पहला ये सवाल होता है कि मेरी विचारधारा मेरे ऊपर है, मेरी इंडिपेंडेंस है कि मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी। द सेकेंड थिंग इज कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ कन्हैया और नासिर खान के साथ नहीं हो सकता है। कन्हैया का जब मन चाहता है वो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोल देता है और नासिर खान का जब मन चाहता है तो वो सुजर जॉर्डन का बलात्कार कर देता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास भी है, हम क्राइम नहीं कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर अपनी बातों को रख रहे हैं और अगर उसी तथ्य के आधार पर, उसी सत्य के आधार पर कोई कन्फ्रंटेशन करना चाहता है तो वी आर रेडी फॉर दिस कन्फ्रंटेशन। लेकिन आप किसी को माँ बहन की गालियां लिख करके दे रहे हो, आप ये कह रहे हो बेटे की तस्वीर मैंने लगाई है बकरीद वाले दिन और नीचे मुसलमान लिख करके दे रहा है कि ये छोटे से बच्चे के साथ सेक्स करते हुए पकड़ाई गई नाज़िया इलाही खान। आप मेरे ट्विटर पे जाकर देखिए, ये मुसलमानों ने लिखा है, बेहद शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। और अपने बेटे का हाथ, मैं पढ़ती हूँ बहुत सारे आपके वीडियो के नीचे के कमेंट मैंने पढ़े हैं, ये कमजर्फ
ये शर्मनाक हरकत जो है, जो गाली देना और ये जो बर्दाश्त नहीं करने वाला जो नजरिया है, जो बद अखलाकी है, ये कमजोर लोगों की निशानी होती है। अगर आपके पास डेटा है, आपके पास फैक्ट्स है, तो आप उसके साथ, आप लॉजिक के साथ अपनी बात रखें, तमीज के दायरे में। और किसी भी इंसान की जबान जो है वो उसकी तरबियत, उसकी परवरिश दिखाती है कि इसकी क्या परवरिश हुई होगी। और हमारी एक बहुत बड़ी जमात ऐसी है जो अनफॉर्चुनेटली इस तरबियत, इस तमीज से महरूम है। मुझे बहुत दुख। यासमीन, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत के मुसलमान जो है वो कभी भी मक्का या मक्कई इस्लाम को या अल कुरान के लिखे हुए रूल रेगुलेशंस को कभी नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते, और मानना भी नहीं चाहते, कभी नहीं मानना चाहते। आज अगर एक सुप्रीम कोर्ट में मैं PIL डाल दूं कि ठीक है, सारे मुसलमानों को इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाएगा क्योंकि इस्लाम के लिए छाती पीटते रहते हैं, और मैं अगर एक पिटिशन डाल दूं, तुमको पता है कल मेरा मर्डर कर देंगे ये मुसलमान, कल मर्डर कर देंगे, क्योंकि ये इस्लामिक पनिशमेंट कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। जितने धड़ल्ले से गाली देते हैं, जबान वबान काट करके पूरा अलग से अलग कर दिया जाएगा, ये है इस्लामिक पनिशमेंट। देखिए यास्मिन, योगा इज एसेंशियली अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अब जब योगा कीजिएगा तो आपको फील होगा कि बैठने का तरीका, उठने का तरीका, पॉज करने का तरीका, ब्रीथ को लेने का तरीका, इनहेल करने का तरीका, ब्रीथ इन आउट करने का तरीका, तो आपको बहुत सारी चीजों का जो लेसन है वो आपको योगा के दौरान मिल जाता है, इजली मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अगर इंसान को अपने अंदर लेकर के आना है, अगर उसको बहुत पोलाइट नेचर का होना है, अगर उसको बहुत सहन शक्ति अपनी बढ़ानी है, अगर उसको अपने अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तो योगा इज बेस्ट बेस्ट। क्योंकि जिस हिसाब से जब हम बैठ करके योग करते हैं, उस वक्त जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, तो उस वक्त जो पेशेंस की जरूरत होती है और सांसों के को तोलने की जो जरूरत होती है, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। द सेकेंड थिंग इज कि सूर्य नमस्कार मैं विदाउट पॉज, बिना रुके 101 टाइम्स कर सकती हूँ, 101 टाइम्स, एंड माय फिगर इज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल। 101 टाइम्स आप मुझे मैट दे दो और बस आप खड़े हो जाओ, 101 टाइम्स में मैं एक बार भी आपको नहीं कहूंगी कि मुझे 5 सेकंड का मुझे पॉज दे दो। आई डोंट नीड 5 मिनट्स, 5 सेकंड पॉज। तो मैंने उसमें क्या देखा है कि आई एम वेरी मच एनर्जेटिक, आई एम वेरी मच पोलाइट, मेरी 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 तबीयत बहुत अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है, मुझे PCOD हुआ है, मेरा अभी कुछ कुछ महीने पहले नवंबर में गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, बीच बीच में बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है तो फीवर आता है, लेकिन मैं बहुत देर तक बेड पर नहीं रहती हूँ। 48 आवर्स इज इनफ फॉर मी। इवन जब मैंने गोल ब्लैडर का ऑपरेशन किया था, तब भी 48 आवर्स के बाद मैंने पब्लिक मीटिंग अटेंड की है, मैंने पब्लिक गैदरिंग की मीटिंग अटेंड की है, और मैंने माइक पर भाषण दिया है, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि मैं नवंबर 19 को मैं हॉस्पिटल के बेड पर हूं और 21 को मैं दिवाली की तैयारी में और बंगाल से लेकर के दिल्ली तक में मैं आराम से भाषणबाजी कर रही हूँ। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज नॉट लाई, ये मेरे सोशल आईडी पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खास करके मैं मुसलमान बेटियों को कहना चाहूंगी कि योगा इज गुड फॉर हेल्थ, योगा इज गुड फॉर मेंटल स्टेबिलिटी, योगा इज गुड फॉर मेटाबॉलिज्म, योगा इज गुड फॉर स्किन। तो औरतों को खास करके करना चाहिए, क्योंकि बच्चा होने के बाद ना उनकी बॉडी बहुत वीक होती है, बहुत वीक होती है, और जब आप योग की तरफ अपने आप को लेकर के जाते हो, ज्यादा नहीं 45 मिनट्स भी अगर आप देते हो, तो वो कहीं ना कहीं रिपेयर होता है आपकी बॉडी, जो आपका साथ छोड़ती है बच्चा जन्म देने के बाद, वो धीरे धीरे रिपेयर की तरफ आता है, या जो जो महिलाएं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हैं वो धीरे धीरे रिपेयर की तरफ आती हैं। आप सुबह, आपने बहुत अच्छी बात कही यास्मीन, सुबह फजर की नमाज पढ़ो और उसके बाद फिर 40 मिनट्स मेडिटेशन कर लो। और इस्लामिक प्रेचर की जहां तक आप बात कर रही हैं, जो हमारे भारत में है, इनका इनका छोड़ दीजिए, ये क्या बातें करते हैं, ये 72 वर्जिन हूरों की बातें करते हैं,
आप जन्नत में जा करके सेक्स कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपने देखा भारत की दो मुस्लिम बेटे को, एक तरफ आपने देखा यास्मीन हाफिज जी को और दूसरी ओर नाजिया अली खान जी को, जिन्होंने बात की योगा के बारे में। और जैसे नाजिया खान जी ने बताया कि वो रेगुलर योगा करती हैं, पर इसी बात को लेके शांति दूत और जो मजहब के ठेकेदार हैं वो उन पे हमला करते हैं और उनके बारे में अश्लील बातों को फैलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो इस्लामिक प्रीचर है उनके हिसाब से योगा करना उनके मजहब में हराम है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।